तो अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आ गई हूँ आप सबके सामने एक और नया वीडियो लेके। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कंटूर का शेड हम अपने स्किन टोन और अपने स्किन के अंडर टोन के अकॉर्डिंग कैसे चूज करें। ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो जब भी कंटूर वो यूज़ करती हैं तो उनका कंटूर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत ही गंदा सा उनको लगता है, जिसकी वजह से वो कंटूर को स्किप कर देती हैं और उसके जगह ब्लशर या ब्लशर यूज़ करना बेहतर समझती हैं या ब्राउनजिंग करना बहुत बेहतर समझती हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि हम अपने स्किन अंडर टोन और स्किन के टोन के अकॉर्डिंग अपना कंटूर चूज नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है जिसके वजह से हमें कंटूर अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने स्किन अंडरटोन और स्किन के टोन के अकॉर्डिंग कैसे कंटूर को कलर कंटूर का कलर कैसे चूज करना है। तो चले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटर और कंटूर का पैलेट है ये, देखें ये जो है, ये देखें ये हाइलाइटर है ऊपर का सारा, और ये है ये कंटूर है। मेरे पास NYB का भी कंटूर है, ये देखें इसका शेड है, देखिए आप भी देख लें इसका शेड है। बैक स्टेज प्ले अप इन बेज नंबर 6 ये है, देखिए इसका इसका भी मैं शेड दिखला दे रही हूँ आपको, और ये भी दिखा, एक मेरा क्रेलॉन का ये है, दिख रहा है ना। मैं इन सब के स्वेचेस दिखाने से पहले मैं कुछ बातों को बतलाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती हूँ। मैक्सिमम जो बिगनर्स होते हैं ना, बिगनर्स को ना ये पता नहीं रहता है कि कंटूर भी हम अपने शेड के अकॉर्डिंग लेते हैं। हमारा जो कॉम्प्लेक्शन होता है, हमारा जो अंडरटोन होता है, जो हमारे स्किन का अंडरटोन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कंटूर भी चूज़ करना पड़ता है। जैसे हम फाउंडेशन यूज करते हैं ना, तो फाउंडेशन हम अपने स्किन अंडरटोन, फिर अपने स्किन का टोन, आप ये दोनों चीज़ आपको समझकर तभी जाके फाउंडेशन लेते हैं। अगर हम अपने स्किन के अंडरटोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन नहीं लेते हैं या अपने स्किन के टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन नहीं लेते हैं, तो वो हम अपने जब अप्लाई करते हैं, जो हमारा शेड नहीं होता है, हमारा स्किन का अंडरटोन वाला नहीं होता है, तो वो फाउंडेशन उतना हमारे चेहरे पर अच्छा नहीं लगता है, मतलब मेकअप बिल्कुल बुरा सा दिखता है। सेम उसी तरह अगर हम कंटूर अपने स्किन टोन और अपने स्किन के अंडरटोन के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, तो जब हम उसको अप्लाई करेंगे ना, तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो मतलब लगेगा मतलब बहुत बुरा सा लगेगा। तो ये चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखना है कि आप अपने स्किन टोन और स्किन अंडरटोन के अकॉर्डिंग ही कंटूर खरीदें। ऐसे कोई भी कंटूर ना ले ले, पहले अपना स्किन टोन और अंडरटोन के अकॉर्डिंग जाके कंटूर ले, तब जाके जब आप मेकअप करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ मेरा जो कंटूर है वो अच्छा दिख रहा है। ये नहीं कि मतलब लग रहा है कि जैसे किसी ने मार दिया है और वहाँ पे दाग पड़ गए हैं, ऐसा नहीं लगेगा। पहले मैं ये बता दूँ, ये जो सिवाना का मैंने ये पैलेट लिया है, इसका नंबर है 02, ये नंबर है ना, ये 02 है सिवाना का पैलेट, लेकिन ये आपको कूल अंडरटोन के लिए है, ये वार्म अंडरटोन के लिए नहीं है। आप कभी भी ले तो ये ध्यान रखें आपको कूल अंडरटोन का लेना है। वार्म अंडरटोन जो मतलब जो आपके अंडरटोन है वो, जिसका कूल अंडरटोन है उसके लिए परफेक्ट है ये, क्योंकि इसका जितना शेड है ना ये कूल अंडरटोन के लिए है, और जो जिनका शेड वार्म है उनको अलग पैलेट मैं बताऊँगी, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो बजट में चलना चाहते हैं, जैसे जो बिगनर है वो चाहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल कम प्राइस से ट्राई करूं, पहले ट्राई करके देखूं कि वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके लिए मैं NYBAKE किया ये कंटूर बोलूँगी लेने का, ये बहुत अच्छा है। और ये वार्म के लिए है, ये कूल अंडरटोन का नहीं है, ये वार्म अंडरटोन का है। मैं अब चले मैं स्वेचेस करके दिखला दूँ। सबसे पहले मैं इसको दिखलाती हूँ, देखें ये है ना, ये देखें, और इसके बाद से ये मेरा NYBAKE क्या,
ये देखिए, ये शेड है ना, ये शेड बिल्कुल जो डस्की स्किन होते हैं ना, ये डस्की स्किन के लिए है। और ये शेड जो है ये आपको लाइट डस्की और मीडियम फेयर जो होते हैं उनके स्किन पे ये अच्छे से आता है, ये आप ध्यान रखें। ये डस्की स्किन के लिए है, और ये लाइट डस्की मतलब वो फेयर में आ जाते हैं, जो मीडियम फेयर और लाइट डस्की मतलब फेयर के अंदर आ जाते हैं, ये शेड उन लोगों के लिए आएगा। और ये जो है ये मैं पहले ही आपको बतला दी हूँ कि ये कूल अंडरटोन के लिए है, वॉर्म के लिए नहीं है, क्योंकि इनका सारा कलर पीचेस है, थोड़ा पिंक में आता है ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बाकी इतने हार्ड नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई है, देखिए एक ये सेट हो गया, अब देखें एक ये सेट हो गया, बहुत ये हो गया, अब ये सेट देखिए, देख रहे हैं ये देखिए, आपको देखने ही से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा शेड आपको सूट करेगा। जब देखिए ये है ना, ये हल्का सा येलो इसमें शो कर रहा है, देखिए ये दिख रहा है ना, ये हल्का ऑरेंजेस और येलो में शो कर रहा है, ये देखने ही से आपको समझ में आ रहा है कि ये वॉर्म है। ये है, ये भी सेट कूल, ये तीनों सेट फेयर स्किन और कूल अंडरटोन में है। और ये है ना, ये आपका थोड़ा डस्की स्किन के लिए, जो जिनका डीप डस्की है और डस्की है उन लोगों के लिए ये बेस्ट होता है। देख यहाँ पे मैं आपको पैक का कंटूर का पैलेट दिखला रही हूँ, ये देखिए ये पैक का कंटूर पैलेट है, इसमें बहुत सारे कलर है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कभी भी आप कंटूर लेने जाएं तो उसको ऑफलाइन लें, ऑनलाइन ना लें। ऑफलाइन से ना आप जाएंगे तो खुद से अपने हाथों पे अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि वो कैसा है और आपके स्किन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप ऑफलाइन लें, ऑनलाइन ना लें। कभी भी कंटूर लेते समय ये ध्यान दें कि वो कूल अंडरटोन में है कि वार्म अंडरटोन में है, इतना आपको ध्यान देना है, तभी जाकर आप अपना कंटूर लें। और जब आप इससे कंटूर करेंगे तब जाके आपको अच्छा सा फिनिशिंग आएगा। तो आज का मेरा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।